व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गौरव फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग बीइंग डिटीवाइट। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों का जेई मेंस काफी अच्छा गया होगा, ठीक है। और जिसका इंतजार था यार वो घड़ी आ चुकी है, ठीक है। जैक दिल्ली 2020 के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। वीडियो थोड़ा सा लेट है मैं मानता हूँ, ठीक है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम। बट कोशिश करेंगे कि पूरा जैक दिल्ली का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है मैं उसको आपको काफी अच्छे से कन्वे कर पाऊँ, ठीक है। 72 पेज का है, मैं उसे कोशिश करूंगा कि 10 मिनट की वीडियो में समझा पाऊँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, और अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो यार लास्ट डेट है 9th ऑफ अक्टूबर रात 12 बजे तक। तो देख लेना यार, कोशिश करना जल्दी से जल्दी भर दो। अगर जिन्होंने भर दिया है अभी तक तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं भरा तो वो भर देना। इसमें ये है कि अगर जैसे फर्स्ट राउंड हो जाता है सपोज बीच में भी, तो आप फर्दर सेकेंड राउंड में डायरेक्ट बैठ सकते हो आप रजिस्ट्रेशन करके। तो बेटर यही है कि आप फर्स्ट राउंड से ही बैठो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो सीट्स जा चुकी होंगी वो सेकंड में नहीं आएंगी, कॉमन सी बात है। तो इसलिए फर्स्ट राउंड से ही बैठ जाना, अभी से ही काउंसलिंग फिल कर देना। इसके अलावा यार रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं तो 1500 रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। इसके बारे में, इसमें ऑनलाइन ही मोड में आपको देना पड़ेगा ये, ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और जो भी उसमें फीचर्स आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा यार बात करते हैं सीट्स की, ठीक है, क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा सीट्स बढ़ी हैं। तो DTU की बात करता हूँ तो यार DTU में 2399 यानी कि 2400 के आसपास सीट्स बढ़ गई हैं, जो कि काफ़ी फ़ायदा होने वाला है बाकी आप लोगों को, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी डाउन जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा तो होप अच्छी रखना, मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं यार IGDTU-W की। तो IGDTU-W में 693 सीट्स हैं, ठीक है, ये गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं IIIT दिल्ली की, तो वहाँ पर यार 480 सीट्स हैं। और इसके अलावा बात करते हैं NSUT की, तो यार NSUT ने इस बार तो बिल्कुल DTU के बराबर सीट्स कर दी हैं, ठीक है। मतलब अभी भी थोड़ा सा गैप है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीट्स बढ़ गई हैं, और इसमें जो सीट्स हैं वो हैं 1876। इसमें यार दो कैंपसेस भी ऐड हुए हैं, ठीक है, ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस। एक्चुअली उनके बारे में भी एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कैंपसेस हैं कहाँ, ठीक है। वो IPU के ही पहले दो कॉलेजेस थे, उनको NSUT ने अपने अंडर ले लिया। तो उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो यार कॉमेंट कर देना, उस पर पूरा डिटेल वीडियो आएगा, और जो रिगार्डिंग न्यू ब्रांचेज आई हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं यार DTU में कोई चेंजेस आए हैं क्या ब्रांच में, ठीक है, क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज में नए नए चेंजेस आए हैं। तो यार DTU में पहले एक ब्रांच थी पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, उसको केमिकल इंजीनियरिंग में कन्वर्ट कर दिया है। बस इतना सा ही चेंज आया, जो ब्रांच ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट थी उसका नामकरण दूसरे तरीके से रख लिया। बाकी ज़्यादा बड़े कोई चेंजेस देखने को शायद ही मिले आपको उस ब्रांच के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं यार सेकेंड IIIT दिल्ली की। तो IIIT दिल्ली में यार कोई भी ऐसा चेंज देखने को नहीं मिला है इस साल भी, ठीक है। थर्ड में बात करता हूँ IGDTU-W की, तो वहाँ पर यार दो ब्रांचेस नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। पहली यार CS&AI, जो लास्ट ईयर NSUT में इंट्रोड्यूस हुई थी, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यार IGDTU-W में एक DMAM नाम की ब्रांच भी है, ठीक है, डुअल डिग्री है, ठीक है, और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग प्लस MBA उसमें इंक्लूड है। तो यार आप चाहो तो, वैसे 6 ईयर का है, अगर आप चाहो तो 4 ईयर के बाद मैकेनिकल की डिग्री के बाद आप लीव कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन IGDTU-W ने आपको दिया है। तो यार अगर मैं बात करूँ NSUT की, तो NSUT में यार काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज इंट्रोड्यूस हुई हैं ड्यू टू दो नए कैंपस, और उसके मेन कैंपस में भी इंट्रोड्यूस हुई है। तो मेन कैंपस में यार जो ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है वो है CSDS। तो CSDS का फुल फॉर्म है यार कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस। तो डेटा साइंस काफ़ी ट्रेंड में है, तो NSUT ने इसे भी ऐड कर लिया है। तो डेटा साइंस में यार बेसिकली ऑल अबाउट डेटा की, हम डेटा के बारे में जो भी पढ़ाई होती है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस तो आपको पढ़ने को मिल ही रहा है, साथ में डेटा साइंस भी होता है, डेटा हैंडलिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, आप एज अ यूज़र यूज़ करते हैं तो आपका डेटा उन वो रखती हैं, ठीक है, इस तरीके से डेटा हैंडलिंग, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटा एनालिसिस वगैरह। तो डेटा साइंस में आपको वो सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको मेन कैंपस में मिलेगा। इसके अलावा यार इसके दो कैंपस हैं, तो ईस्ट कैंपस में यार CSDA नाम की एक ब्रांच है, तो उसका फुल फॉर्म है यार कंप्यूटर साइंस एंड बिग डेटा एनालिसिस। वो भी क्वाइट सिमिलर है, ठीक है, आपका CSDS से, बट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है, गूगल करके देख सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है तो आप ये ब्रांच भी ले सकते हो। इसी में सेकंड ब्रांच एक और है ECAM, ये भी आपको ईस्ट कैंपस में मिलेगा NSUT की। और इसकी फुल फॉर्म है यार इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जो ऑलरेडी एक ब्रांच थी उसमें इन्होंने एक इंटरडिसिप्लिनरी
चीज़ को ऐड किया है जो कि एएम है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो यार इसी के साथ एक तगड़ा कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का, तो तुम इसे भी देख सकते हो यार, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यार बात करते हैं वेस्ट कैंपस की, तो वेस्ट कैंपस थोड़ा बैलेंस है, जैसे कि ईस्ट कैंपस में मोस्टली टेक रिलेटेड ब्रांचेज हैं, लेकिन वेस्ट कैंपस में आपको कोर ब्रांचेस का भी थोड़ा बहुत स्वाद चखने को मिल जाएगा। जैसे कि पहले इसमें यार IIoT है, ठीक है, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसका जो इंटरडिसिप्लिनरी इसमें जो टर्म ऐड किया गया है वो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, एक अच्छी ब्रांच मुझे लगी, ठीक है। अब उन्होंने यार कोर सर्कुलम भी और टीचिंग भी उतनी अच्छी होगी, तो यार काफ़ी अच्छा रहेगा अगर ये ब्रांचेस इसी के अकॉर्डिंग ऐसे इंप्लीमेंट हो पाए। इसके अलावा यार बात करते हैं MEVE, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसमें जो यूज़ किया गया है अंदर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये भी यार काफ़ी तगड़ी है, क्योंकि आजकल आने वाला जो टाइम है इन फ्यूचर वो यार इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो काफ़ी अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी अच्छा क्रेज़ होने वाला है। तो ये ब्रांच भी यार काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और काफ़ी सही है। तो यार वही है, इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छा है तो बहुत ही अच्छी ब्रांच रहेगी जो मैकेनिकल के लिए सीरियसली इंटरेस्टेड है। इसके अलावा यार बात करता हूँ एक और ब्रांच जो कि सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल NSUT में खुद मेन कैंपस में नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस करा दी है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, अगर किसी को कोर में करना है तो यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग ले सकता है। इसके अलावा यार लास्ट एक और है GI, जो कि है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो आप इसको भी देख सकते हो, इसके बारे में भी आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कि आप इसमें क्या क्या पढ़ सकते हो। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये सारी ब्रांचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यार सीधे चलते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में एक थोड़ी सी खुशखबरी है, जो IIIT दिल्ली के लिए एम कर रहे थे, ठीक है, तो काफ़ी इस टाइम पे इस साल काफ़ी जो IIITs हैं और इवन NITs वगैरह IITs, तो उनमें से जो परसेंटेज क्राइटेरिया रिमूव हो गया था, तो लोगों को लगा था कि शायद IIIT दिल्ली, तो IIIT दिल्ली में भी यार पहले से थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले IIIT दिल्ली का, तो IIIT दिल्ली में यार 80% से पहले होता था कि आपको 80% लाना होता था इन मैथमेटिक्स, एंड एग्रीगेट भी होने चाहिए थे आपके PCM में, ठीक है। तो बट इस साल से इन्होंने चेंज कर दिया यार, इस साल से 70% चाहिए, तो ये काफ़ी एक अच्छी डील है, ठीक है। 70% इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स में 70 अलग से आपको चाहिए, तो ये एक अच्छा फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो 70% पे आ गया है, तो अगर आपके 80 से कम थे तो आप अप्लाई कर सकते हो इस बार। तो ये सेम यार NSUT DTU, और यार NSUT DTU का सेम है 60%, एंड सेम चीज़ यार IGDTUW के लिए भी है 60%। इसके अलावा यार हम चलते हैं, अगर मैं इसमें थोड़ी सी बात करूँ यार, परसेंटेज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप OBC हैं, सब जगह पे जितनी मैंने अभी तक परसेंटेज बताई उनमें से 5-5% आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ ST SC की, तो 10% रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यार बात करते हैं सीट्स की, तो यार SC की जो सीट्स हैं वो 15% जो कंपोजिशन है जितनी भी हर कॉलेज में, 15% सीट्स SC के लिए ST SC के लिए हैं, और उसके अलावा OBC के लिए 27% है, और EWS के लिए 10% है। तो ये सारी चीज़ें यार यहाँ पर मेंशन है। आप जैसे फॉर्म भरोगे तो यार फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को भरने को मिलेगी, वो है यार आपकी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, मार्कशीट यार 10th और 12th की, और होम स्टेट यार वहीं से कंसिडर होगा, अगर आपका जो स्कूल का पिन कोड है अगर वो दिल्ली रीजन के अंदर आता है तभी आपको एज अ दिल्ली स्टेट कैंडिडेट गिना जाएगा, अदरवाइज आप आउटसाइड दिल्ली में आओगे। इसके अलावा यार बोनस मार्क्स के लिए, अगर जैसे IIIT का एक रूल है आपको पता होना चाहिए कि IIIT दिल्ली जेई मेन्स रैंक प्लस बोनस मार्क्स के बेसिस पे एक इंडिविजुअल लिस्ट निकालता है, उस बेसिस पे वो कॉलेज बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है। तो ये एक फैक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट उसमें आपको एक और चीज़ भरनी है, जो कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप EWS के तो आपको EWS सर्टिफिकेट देना होगा, और आपके पास कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो तो आप वो सब सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा कर सकते हो। तो ये यार पूरा ऑनलाइन का सिस्टम रहा। बात करते हैं चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग यार वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग यार काफ़ी ध्यान से भरना, बहुत लोग यार गलती करते हैं और बाद में फिर वो चेंज नहीं हो पाता और आप फिर बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग यार हर राउंड के बाद चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, बट स्टिल हमेशा एम करना कि आप एक स्टार्टिंग में ही एक अच्छा चॉइस फिलिंग लेके चलो, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में गलती कर दी और आपको यार स्टार्टिंग में वो सीट लेनी पड़ेगी, अगर आपको अलॉट हो रही है चाहे वो कोई भी सीट हो, तो आपको देने पड़ेंगे पैसे। अगर आप नहीं देते हो तो यार वो आपको, उनको ये लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है हमारे काउंसलिंग में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में, तो वो आपको काउंसलिंग से बाहर कर देंगे, फिर आपको डायरेक्ट स्पॉट में आना पड़ेगा। तो ये चीज़ का यार ध्यान रखना, अगर कोई भी ब्रांच आपको अलॉट होती है तो आपको वो लेनी पड़ेगी। तो इसलिए वही ब्रांचेस भरना जो आप मतलब सीरियसली इंटरेस्टेड हो जिस कॉलेज में,
ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है चॉइस फिलिंग के लिए। तो यार चॉइस फिलिंग में मैं कुछ बातें बता देता हूँ। यार चॉइस फिलिंग में जैसे आपको कोई भी ब्रांच अगर मिलती है तो आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा और आपको उसी टाइम फ़ी भी दे पे करनी पड़ेगी, जो कि 1,03,000 रुपीज़ है इस बार, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले से यार ये अमाउंट अपने पास रख लेना या अपने पेरेंट्स को पहले ही बता देना, ताकि एट द मोमेंट आपको पास अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट ना हो यार। तो इसलिए पहले से ही 1,03,000 रुपीज़ अपने पास रख लेना। बाकी पूरा डिटेल यार मैं बाद में बताता हूँ। इसके अलावा यार फिर जो राउंड्स होते हैं रेगुलर राउंड्स में यार, उसमें आपको अपग्रेडेशन का भी चांस मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं यार। एक है यार फ्रीजिंग आपको मिलता है, ठीक है, और एक अपग्रेडेशन। यार देखो, अगर अगर आपने कोई चॉइस फिलिंग कर दिया, आप सारी ब्रांचेस भर सकते हो, जितना आप भरना चाहो उतनी ब्रांचेस आप भर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो मेन चीज़ क्या है यार, जैसे कि अगर आपको कोई ब्रांच मिल गई, सपोज आपको IIIT दिल्ली की मिल गई कंप्यूटर साइंस, या DTU की कंप्यूटर साइंस मिल गई, आपको कहीं की भी अगर कुछ बढ़िया ब्रांच मिल जाती है और आप सेटिस्फाइड हैं, और आपने उससे भी ऊपर मान लो भरा है कोई ब्रांच, बट आप सेटिस्फाइड हैं कि यार मुझे ये मिल गया, इससे ऊपर मुझे अब नहीं लेना या नहीं जाना आगे फर्दर, या मतलब मेरे को कोई चेंज नहीं चाहिए, तो आप फ्रीज का बटन दबा सकते हैं। बट यार फ्रीज दबाने से पहले दो बातें अपने ध्यान में हमेशा रख लेना, कि फ्रीज दबा दोगे तो कभी फिर मतलब आगे फर्दर राउंड्स में भी वो सीट अपग्रेड नहीं होगी, ठीक है। तो जितने भी राउंड्स होंगे रेगुलर, उसमें वो सीट अपग्रेड नहीं हो पाएगी। तो उसका मतलब ये कि आप सेटिस्फाइड हैं अपनी ब्रांच से और आपको अब काउंसलिंग में कोई लेना देना नहीं, आपको बस वो सीट चाहिए। तो ये बात काफ़ी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलेगा, फिर सीधा आपको स्पॉट राउंड में आना पड़ेगा, और स्पॉट राउंड में वो सीट अवेलेबल नहीं होती है ऊपर की, मैंने पहले ही बता रखा है। तो ये काफ़ी ध्यान में रखना है यार, क्योंकि फ्रीज का मतलब ये होता है कि एक बार आपने जमा दी कोई सीट तो वो पिघलेगी नहीं बाद में। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। दूसरा एक फैक्टर जो मैं बताता हूँ अपग्रेडेशन के लिए यार, जैसे आपने 15 ब्रांचेस भर दी है सपोज, ठीक है, आपने 15 ब्रांचेस भर दी और आपकी 7th ब्रांच आपको मिल गई है, ठीक है। अगर आपको 7th ब्रांच मिल गई है सपोज, ठीक है, आपकी रैंक के बेसिस पे, तो फर्दर जो राउंड होंगी, सपोज आपको फर्स्ट राउंड में आपको 7th ब्रांच मिली है, ठीक है, 1 to 7 में आपको 7th मिली है, तो 7th अगर आप फर्दर राउंड में जाओगे तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी रैंक के हिसाब से अगर आपको ऊपर मिल रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता चला जाएगा। आप बस उस राउंड में जो आपको सीट मिली है, आप उसके लिए फी पे करते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो एक सीट की, ठीक है, मनी। तो बस आपको लेकिन रिपोर्ट करने जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो सब मैं बताऊंगा। इसके अलावा यार बात करते हैं लास्ट में एक और, जो स्पॉट राउंड होता है जिसकी मैंने बात करी। स्पॉट राउंड से पहले अपग्रेडेशन होता है, तो यार फ्रीज वालों को उसमें भी चांस नहीं मिलता, इसलिए मैंने पहले ही बोला है फ्रीज सभी करना जब तुम्हें लगे कि तुम श्योर हो। तो स्पॉट राउंड की बात करते हैं यार, स्पॉट राउंड में 10,000 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि रिफंडेबल है। अगर आपको सीट स्पॉट में नहीं मिलती तो आपको 10,000 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे, बट आपको 10,000 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे स्पॉट राउंड में आने के लिए, और स्पॉट राउंड में जाने के लिए आपको एक DD भी ले जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट आपसे वो मंगवाएंगे, जो कि 93,000 का होगा, ठीक है। तो 1,03,000 ये इस तरीके से वसूल करते हैं, पहले 10 आपसे एंट्री के टाइम पे ही ले लेंगे, मतलब आप स्पॉट में रजिस्टर करोगे उसी टाइम पे आप 10K चले जाएंगे, और 93 जैसे आपको स्पॉट में वहाँ सीट मिलती है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, आपको उसी टाइम आपसे DD ले लेंगे। तो ये 93,000 भी आपको देने पड़ेंगे। एक और बात यार, यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं सुनी तो दो बार सुन लेना यही बात, कि यार जब भी अगर आपको स्पॉट राउंड में अगर कोई सीट मिल जाती है, तो ये 1,03,000 रुपीज़ आपको वापस नहीं मिलेंगे। अगर आपको सपोज जोसा, या आपने कहीं फर्दर कहीं और फेल कर रखा है और आपको वहाँ बेटर कॉलेज मिलता है और बेटर ब्रांच मिल जाती है सपोज, बट अगर आपने यहाँ पर स्पॉट में कोई सीट ले ली है, तो आपकी सीट आपको मतलब आप कैंसिल तो कर सकते हो, बट आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो स्पॉट में आप तभी आना जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई ब्रांच चाहिए और वो तुम्हें मिल गई है तो तुमने ले ली स्पॉट में, वरना ब्रांच मत लेना। अगर तुम्हें नहीं लेनी है तो तुम मत लेना। तो ये चीज़ यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर स्पॉट में कोई ऐसी ब्रांच मिल रही है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है और तुम लेना नहीं चाहते, और कोई ऐसी ब्रांच है जो चली जा चुकी है, तो स्पॉट राउंड में मत बैठना आगे, ये ध्यान रखना। अगर एक बार तुमने सीट ले ली तो वो 1,03,000 रुपीज़ रिफंडेबल नहीं होंगे, साफ साफ ब्रोशर में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यार स्पेशल स्पॉट राउंड भी होता है, ठीक है, तो मैं पहले बताऊंगा स्पेशल स्पॉट राउंड पे ज़्यादा रिलाय मत करना, क्योंकि स्पॉट राउंड में ही ऑलमोस्ट सारी बढ़िया सीटें चली जाती हैं। स्पेशल स्पॉट राउंड में आप दबा सकते हो, जैसे आपका ड्रॉप का मन नहीं है और आपको एक बस Tier 1 कॉलेज का एक ब्रांड नेम चाहिए, तो आप आके ले सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ब्रांचेज ही लेफ्ट रहती हैं जितना मुझे पता है, तो
बहुत रेयर चांस है, ठीक है, तो स्पेशल स्पॉट में एक आध इक्का दुक्का जो भी सीट्स बचती होंगी तो उसके लिए स्पेशल स्पॉट राउंड होता है, जो कि बहुत रेयर है। इसके अलावा यार बात करते हैं फीस की, तो यार फीस है NSUT और DTU की सिमिलर है, जो कि है 1,90,000 इस साल की, और हर साल ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करती है। तुम सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की फीस देख सकते हो ब्रोशर में। मैं तो सेकंड में बात करता हूँ यार IGDTUW की, तो IGDTUW की 96,000 रुपीज़ फी है, और जो कि काफ़ी डिसेंट है यार। तो तीसरे नंबर पे यार मैं बात करता हूँ IIIT दिल्ली की, तो उसकी फीस यार बहुत ज़्यादा ही है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी है, टीचिंग फैकल्टी अच्छी है, तो उसकी फीस है यार 3,75,000, तो ये काफ़ी ज़्यादा फीस है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हम बात करते हैं, तो यार एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सारे हम बता देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। रिसिप्ट चाहिए होगी यार, एडमिशन फी रिसिप्ट जो आपको मिली होगी, इसके अलावा ऑनलाइन क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भी लेके जाना है, गार्जियन से साइन करा के और खुद के साइन करके, ठीक है। प्रिंट आउट फिल चॉइस, जो भी आपने चॉइसेस फिल करी है यार उसका भी वो प्रिंट आउट आपसे मांगेंगे जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, इसके अलावा यार आपका एडमिट कार्ड का फोटोग्राफ, जो भी जेई मेन्स का था, फेक तो नहीं दिया ना, ये रखना यार साथ में, ठीक है, एडमिट कार्ड बोल रहा हूँ। और जो आंसर है, मतलब जो आपका फाइनल रिजल्ट आया था, रिजल्ट का भी इसका जो है प्रिंट आउट वो भी करा के लेके जाना, ठीक है, एडमिट कार्ड और रिजल्ट स्कोर कार्ड जिसे कहते हैं वो भी लेके जाना। इसके अलावा यार मार्कशीट चाहिए 10th और 12th की, ठीक है, ये यार ओरिजिनल भी ले आना, फोटोकॉपी करा के रख लो तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा प्रिंट आउट लेके जाना है सीट एलोकेशन अलॉटमेंट लेटर, या एलोकेशन या अलॉटमेंट जो भी आप कहना चाहो, सीट अलॉटमेंट लेटर जो होता है यार उसको डाउनलोड करके लेके जाना। वो कैसे मिलेगा यार, वो जैसे ही आपको सीट मिलेगी किसी भी राउंड में तो उसी टाइम वहाँ पर एक फॉर्म बना आ जाएगा, आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, उसमें सीट अलॉटमेंट लेटर होगा कि आपको ये वाली ब्रांच अलॉट हो गई है, तो उसे लेके चले जाना। इसके अलावा यार बर्थ ऑफ डेट सर्टिफिकेट जो कि 10th ही होता है तो इसको ज़्यादा माइंड मत करना। इसके अलावा यार बोनस, जो भी अगर आपने IIIT दिल्ली के लिए कोई अचीवमेंट भरी है तो यार उसका भी कुछ सर्टिफिकेशन या कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उसे लेके जाना। रिजर्व कैटेगरी हो तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस जो मैंने अभी बताया कि आपको नीचे मिल जाएगा ब्रोशर में, तो ब्रोशर का लिंक भी मैं यार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके डाउनलोड करके आराम से देख लेना एक बारी, वैसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल लास्ट में आपको फॉर्म में मिल जाएगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए। इसके अलावा यार जो एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा यार, कि जो एडमिशन्स होते हैं इन कॉलेजेस में, इन चारों में, वो बेस्ड ऑन होते हैं यार CRL रैंक, कॉमन रैंक लिस्ट, ड्यू टू योर कैटेगरी कंपनसेशन मिलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा तो CRL रैंक के बेसिस पे मिलता है, अगर आपके पास, अगर आप जर्नल हैं तो आपका CRL ही देखा जाएगा, OBC हैं तो भी आपका CRL ही देखा जाएगा, बट आपको कंपनसेशन, मतलब आपकी रैंक ज़्यादा होगी तो आपको वो ब्रांच मिल रही होगी जो है जनरल को मिल रही होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CRL रैंक ही देखा जाता है जैक के अंदर, चोसा में थोड़ा डिफरेंट सीन होता है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और अगर कोई भी सुझाव या सजेशंस वगैरह आपके हों, या आपको अभी भी स्टिल कोई डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में लिख देना। उम्मीद करता हूँ यार तुम लोगों को तुम्हारी मनपसंद की ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।